वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। गाइस, ये जो वैकेंसी है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए रिलीज की गई है। कंप्लीट डिटेल्स इस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMIT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMIT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के पर, उन सभी के लिए वैलिड है। आगे देख लेते हैं गाइस, ये वैकेंसी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से रिलीज की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से। यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है। मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 26 रिलीज की गई है गाइस, और साथ ही ये लेवल 2 की वैकेंसी है, तो आपका यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो 19,900 रहने वाला है। एज लिमिट की बात करेंगे, 18 से 27 इयर्स गिवन है गाइस, और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे गिवन रहेगा। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइस यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आप लोगों ने 10th पास किया हो। दूसरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर हैवी व्हीकल्स। तीसरी ये है कि आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की। और यहाँ पे पांचवी आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को, और दोनों में ही जो गिनती होती है, नंबर्स होते हैं, उनको भी लिखना और पढ़ना आना चाहिए। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे कि यहाँ पे आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे गिवन है कि आपकी इंडिया के अंदर कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अभी फिलहाल ये जो पोस्ट है टेम्पररी रहेगी, लेकिन इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, आगे परमानेंट भी किया जा सकता है। अप्लाई कैसे करेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी? लास्ट डेट गाइस यहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ है कि जब ये एप्लीकेशन आपका यहाँ पे नोटिस रिलीज किया है उससे 30 डेज यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता देती हूँ कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म इसके 23 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी। साथ ही गाइज यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे, ऑफलाइन मोड से आप लोग अप्लाई करेंगे। और गाइज यहाँ पे ये नोटिस मतलब ये एड्रेस दिया हुआ है, आप इस पे अपना जो पोस्ट है बाय पोस्ट सेंड करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। होप सो गाइस आपको ये सारी चीजें यहाँ पे कम्प्लीटली समझ में आ गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है। वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, State PSC, UGC, नेट, IIT, JEE, NEET। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं।